केंद्र सरकार खेती और जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पर संभल संभल कर आगे बढ़ रही है। दिल्ली में एसोचैम के बायो एग्रो सम्मेलन से यही संकेत उभर रहे हैं। कंपनियों का यह कहना है कि खेतों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों से जोड़कर ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। दुनिया के कई देशों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से विकसित फसलों की खेती पर पाबंदी लगा रखी है। भारत में भी बीटी कॉटन और बैगन मसले को लेकर ये बहस जारी है। जीन परिवर्तित खाद्यान्नों की खेती के लिए गहन और लंबे परीक्षणों की जरूरत है। संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति कृषि जैव सुरक्षा विधेयक 2013 की पड़ताल कर रही है, लेकिन जैव प्रौद्योगिकी के पैरोकारों का कहना है कि खेती में इससे जुड़ी सारी आशंकाएं निराधार हैं। All these technologies have to go through a very time-tested process. They have to go through 7 to 8 years of extensive research. It cost anywhere between $130 to $150 million, which by Indian rupees 700 to 1,000 crore rupees to develop these technologies and bring to the customer. BT Cotton में किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बीज और दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। शुरुआत में उपज बढ़ती है, लेकिन बाद में फसलों की लागत बढ़ती रहती है और उत्पादन गिरता रहता है। No country has ever prospered without being friendly with science and technology. You create the regimes which are required for proper biosafety analysis. By all means, you be very transparent. You put the data in the public domain. And if something is not good, don't use it. लेकिन कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री तारिक अनवर का कहना है कि सरकार खाद्य सुरक्षा समेत तमाम मसलों पर बेहद सजग है। Biotechnology is expected to play a major role in the improving productivity. There is a need for healthy scientific debate on the whole topic since it has been quite contentious not only in India but across the world. जैव प्रौद्योगिकी से फल और सब्जियों का आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन पोषक तत्वों में कमी हो रही है। कई विशेषज्ञ जीएम फसलों के खतरे के बारे में बार बार चेतावनी दे रहे हैं। जेनेटिक प्रदूषण अन्य फसलों और पौधों को प्रभावित कर रहा है। दूसरी चिंता ये भी है कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में जीएम प्रौद्योगिकी 6-7 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में केंद्रित है, लिहाजा वो बीज व्यापार पर एकाधिकार भी कर सकते हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।